2024 के चुनाव की तैयारियों में जुट गई है भारतीय जनता पार्टी। चार लोकसभा क्षेत्रों के शक्ति प्रमुखों की आज बैठक होने जा रही है। हिसार, सिरसा, भवानी, कुरुक्षेत्र के शक्ति प्रमुखों की बैठक है। 1620 शक्ति केंद्र प्रमुख, 387 पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक में शामिल होंगे। चार लोकसभा क्षेत्रों के मंत्री विधायक भी शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी बिप्लव देव मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इसमें शामिल होंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र भी देंगे बीजेपी नेता। क्यूआर कोड से सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की एंट्री होगी। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता संदीप सैनी का, और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या आप बता सकते हैं आज की इस बैठक के बारे में, क्या कुछ खास रहने वाला है? और साथ ही साथ ये जो क्यूआर कोड से एंट्री रखी गई है, इसका क्या मकसद है? जी, क्यूआर कोड से टाइप का कोई केंद्र शक्ति का जो प्रमुख कार्यकर्ता है, वो हो चाहे सीएम हो या कोई भी विधायक हो, सभी को क्यूआर कोड दिया गया है, स्पेशल पहचान पत्र दिया गया है। उससे ही उनको स्कैन करेंगे, उसका पूरा बायोडाटा आ जाएगा, उसके बाद ही अंदर एंट्री दी जाएगी। और या बात करूं तो यहाँ चार लोकसभा क्षेत्रों की आज मीटिंग होनी है, हिसार, भिवानी, कुरुक्षेत्र और सिरसा, जिसमें 1620 शक्ति केंद्र प्रमुख जो बनाए गए हैं वो हिस्सा लेंगे, और 387 के आसपास जो अन्य पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे करीब 11 बजे, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, वो पहुंचेंगे, और जो प्रदेश प्रभारी हैं वो भी हिस्सा लेंगे, और जो कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियां हैं उनके बारे में बताएंगे, और जन जन तक पहुंचाने की गुरु मंत्र जो चुनावी 2024 में जो चुनाव होना है उसकी तैयारियों के लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई है। जी बिल्कुल, तो तकरीबन कितने लोग आज जुटेंगे इस मीटिंग में? जी, करीब अंदाजन है कि 2000 का लोग यहाँ जुटेंगे। 1620 जो आंकड़ा दिया गया है बीजेपी की तरफ से, कि जो शक्ति केंद्र प्रमुख है, जो चार लोकसभाएं जो सीट है उनके अंतर्गत आते हैं, वो इसमें हिस्सा लेंगे। जो 10 जिले के जो इसमें जो चार लोकसभा है इसमें 10 जिले आते हैं, और अगर विधानसभा की सीटों की बात कर ली जाए तो 36 विधानसभाएं इसके अंतर्गत आती हैं। जी, कितने बजे से शुरू होगी ये बैठक? जी, करीब 11 बजे यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे, उसके साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पहले बीजेपी का ये प्रमुखों का कार्यक्रम चलेगा, उसके बाद मुख्यमंत्री जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत भी करेंगे। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप सैनी, और इस जानकारी के लिए।